Sukha,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
राजा अपनी से माता पिता से जन्म हुआ, बहुत सुंदर का जन्म होते हैं पशु पक्षी का। एक होता है संस्कार दिया जाता है, संस्कार जात जन्म और उनका माता पिता गुरु होते हैं तो वो दूसरा जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण को जो संस्कार ब्राह्मण संस्कार ग्रहण उसे द्विजय कहते हैं, ब्राह्मण द्विजय कहते ना। याद रखिए द्विज मतलब पक्षी, द्विज मतलब ब्राह्मण, उनका दूसरा जन्म होता है। उनको जो जन्म संस्कार दिया जाता है ना, जन्म देते हैं व्रत उत्सव प्रतोपनयनम, तो उस दिन उनका दूसरा जन्म होता है, सारे जन्म कर्म सब किया जाता है उसे। तो द्विज मतलब ब्राह्मण, यहाँ द्विज मणि, द्विज में जो मणि है, मणि मतलब ज्वेल, हीरा मोती मणि जानता है ना, मणि द्विज में जो रत्न सदृश है वो है गोदान महाप्रभु, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है ना, सबसी माता जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, ब्राह्मण में रत्न जैसा श्री गोदान महाप्रभु को जग जानते हैं। द्विज मणि गोरा अमनी जागे, अमनी मतलब इमीडिएट, जैसे सूरज उठा फट से उठ गए, उठ करके क्या करते हैं, भक्त समूह लैया साथे खेला नगर रंजे, सारे भक्तों को इकट्ठा करके मणि बाग में निकलते हैं, नगर मतलब सिटी में जाते हैं, खेला नगर राजे नगर कीर्तन में जाते हैं। और कैसे जाते जाते सब क्या करते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, खोल कत्ता ले जाते हैं, कृष्ण तो उठता है बजे कैसे जाएगा, क्यों आज क्या हो गया भाई, तो जब नगर में जाते हैं क्या करते हैं ना, खोल करता खोल जाता है, किसे बोलते हैं ये रखा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुर्दा क्यों बोलते हैं, मिट्टी का उसका शरीर बना है, मृद मतलब मिट्टी, मृद अंग, जिसका अंग मिट्टी में बना हुआ है उसको मृदंग कहते हैं, लेकिन आज तक सब फाइबर में बनाते हैं तो मृदंग थोड़ी होगा, तो फाइबर अंग होगा मृदंग नहीं होगा। तो उसको कवर चढ़ाते हैं मिट्टी का बना करके, मिट्टी नहीं दिखा पड़ता इसलिए उसको खोल कहते हैं। ताथे ताथे बाजल खोल, ताते ताते सीधा नहीं, तब जाके नगर कीर्तन जाएगा। ताते ताते बाजल खोल घन घन ताहे झांझर रोल, झांझर जानते हैं किसे बोलते हैं, छम छम करते झांझर बजता है, खोल और झांझ लेकर के बजाते हुए नगर में निकले सुबह सुबह। और क्या करते हैं ना, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, महाप्रभु का जो शरीर था एक तो 7.5 फीट का है ऊंचा था उनका, तो और उनका शरीर बिल्कुल काचा सोना जैसा चमचमाते हुए था, मोल्टेन गोल्ड, सोने को पिघला देने में जैसी चमक ऐसी उनके शरीर के अंदर था। इसलिए प्रेमी ढल ढल सुनार अंग चरण नुकुल आवाज, नाचते नाचते प्रेम से नृत्य करते करते जाते, नृत्य करते समय पैर में पैर नुकुल बना हुआ था वही बजता था, नाचते थे आकर्ण लोचन लंबा कान तक उनका नाम जमना था, यहाँ से हमारे इधर है उनका यहाँ तक आकर्ण लोचन बड़े बड़े यहाँ तक लंबा लंबा आख, और इतने सुना जैसा शरीर, इतने हाइट का अजान लंबित भुजो कनक आपको, और कीर्तन करते करते नाचते नाचते निकले कुल करता बजाते बजाते, और क्या नाचते कुछ बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, मुकुंद माधव जादव हरी, मुकुंद माधव जादव हरी, वो खुद बोलते थे सब बोलते बोलो सब बोलो, मुकुंद माधव जादव हरी बोले ना बोले रे बदन भरी, सब बोलते सब गाइए, सबको कीर्तन कराते कराते वहां खुल जाते थे। और क्या बोलते थे, जो नहीं गा कीर्तन करते थे उनको बोलते थे क्या आदमी, रात सारा सो करके बिता दिया, मीछे निद्रा बसे गेल रे रात्रि, नींद एक ऐसा चीज होता है टेढ़ बड़ी जैसा ही, मुर्दा आदमी और निद्रित आदमी से कोई अंतर नहीं, ये सिद्ध बोल उनका सांस चलता है उनका सांस नहीं चलता, कुल इतना भरा होता है, बाकी सारे पड़ा रहता है, चोर आकर कुछ भी ले जाए कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी जो डिप्स रहता है डेढ़ बड़ी की तरह सोता है,
कोई काम के नहीं, ना पाप ना पुण्य नथिंग। तो बोलते झुटमुट में इतने दुर्लभ मानव शरीर पाकर के सो सोकर बिता दिया, पीछे इंद्रावश्य गलरे रात्रि दिवस शरीर सा, जो दिन में उठा शरीर को सजाने के लिए, शरीर सजाने के लिए दिन बिता दिया और रात सोकर भी बिता दिया। ए मन दुर्लभ मानव देह, इससे दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके भाइया की करो भावना, फिर इसे मनुष्य शरीर पाकर फिर क्यों सोच रहा है अपने, एवे नाभज ले जसोदा सुत सर में पड़ी होगा। एवे अगर जसोदा सुत कौन है, कृष्ण, एवे जसोदा नंदन कृष्ण को अगर भजन नहीं करोगे बुढ़ापा में तो हाय हाय करते करते जाएगा, अनुतप तो होते सर में पड़ी होगा। उदित कपन हो गए अस्त, देखते देखते सूरज ढल जाएगा। अब दिन आ गया बोले हाय हाय दिन चला गया, अभी तक नहीं पाया, मुझे आज सलामा करना था नहीं, वहां चार में टक गया, ये भी करना था, ये नित्य भी करना था, ये पढ़ना था, इधर धन साहब गया रे गया शाम। उदित तपन हो गए अस्त, दिन आ गया बोले हरि व्यस्त, बस व्यस्त हो जाएंगे, दिन चला गया तबे के नवे आलस भैया। तब जब ऐसे होना चाहे तब अभी आलसी क्यों होता, तबे किनारे आलस भैया नाभज हृदय राजे, हमारे हृदय के जो राजा है परमात्मा भगवान कृष्ण, उनको अभी क्यों भजन आलसी क्यों करता, आलस्य छोड़ करके उनको भजन करो, करना नहीं काम। जीवन अनित्य जान हो सारा, बोलते हैं जो जीवन है तो अनित्य, अनित्य समझते ना किसी व्यक्ति, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं बाबा, जो नित्य मतलब हमेशा रहता है, अनित्य मतलब थोड़ी दिन के है, टेम्पररी। जीवन अनित्य जानना सार, टेम्पररी ताहे नाना विध विपद भा, उसके ऊपर भी अनेक प्रकार के विपद है, है ना, नहीं आप लोग को विपद नहीं होता कौन ऐसे है जो बोल सकता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई है दुनिया में? भगवान कहते हैं कि एक तीन प्रकार की तकलीफ तुम देख कर रखा हूं, बोल कह सकता, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, त्रिविध क्लेश त्रिताप कहते हैं, मैं दिया ये मैं दिया हुआ है, आप मना कैसे कर सकते हैं, आप जेल में डाल करके फिर ये तीन को भेजा मैं साथ साथ आपके साथ में रहते हैं, और जानते हैं त्रिताप एक तीन प्रकार का, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, ये क्या क्या है समझे ना, नहीं समझे, सबसे होता है आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक तकलीफ इसको कहते हैं जो भूत से मिलता है, जो क्लेश जो तकलीफ भूतों से मिलता है उसको आदि भौतिक कहते हैं, भूतों किसको कहते हैं, जीव, जीव जीव को बोलते हैं, आप लोग मानते हैं और किसको कहते हैं, किसको कहते हैं वो तो बोले भूत नहीं, वो भूत प्रेत है, हम लोग उसे इसी भूत की, वो क्या है प्रेत है, प्रेत जन्म है, भूत असली में जितने सारे प्राणी है सब भूत है, हम कितने भूत है तुम्हें, हम भूत थोड़ी मरने के बाद भूत होता, हम चिंता है अपनी भूत नहीं, सर्व भूतानि कौन्तेय, भूत शब्द का अर्थ है भूत जो प्रेम वाला ये भूत नहीं, भूत शब्द का असली अर्थ शास्त्रीय अर्थ है, आप जानते हैं भूत का अर्थ, आप कभी उपयोग भी करते होंगे शब्द को, जो समय को नाम लिया जाता है एक वर्तमान काल है ना, भूत का मतलब बीता हुआ, अतीत को भूत कहते हैं, जो बीत जाता है उसको कहते हैं भूत, तो हम जितने बैठे हैं और जितने नहीं बैठे हैं संसार में कोई ऐसे वस्तु कोई व्यक्ति कोई प्राणी है जो बीतते नहीं है, अरे अभी तो शाम हो गया है, दिन गया अभी तो क्या सुबह, अभी साढ़े आठ हुआ सुबह का पांच बजे गए बीत गया, तो जो बीत होते रहते हैं भूत होते रहते हैं, बीत अतीत होते रहते हैं, तो उनको सब भूत, जो बीतते नहीं है नित्य है वो केवल भूत नहीं है नित्य भगवान, बाकी भगवान छोड़कर सारे भूत है, सब भूतकाल में जाते हैं बीत जाते हैं, इसलिए जो बीतने वाले वस्तु व्यक्ति प्राणी सबको
दूर कर। तो इसलिए बोलते हैं जीवन अनित्य जानो काहे नाना विध विपद भर नाम विपद तुमने बताया था कि तीन प्रकार का आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश कहते हैं जो दूसरे सभी प्राणी तो भूतु है ना, दूसरे प्राणी से जो आपको कष्ट मिलता है, आप मिलता नहीं दूसरे प्राणी से कष्ट, दूसरे कहते हैं प्रभु जी हाँ बोलते, अरे जो बगल में बैठे हैं उसी से कष्ट होता है, जो पड़ोसी है कुछ बोले देख रहे क्यों देखते हो, अब दूसरे क्या कहूं, मनुष्य मच्छर में मच्छर से कष्ट होता है, कोई प्राणी चीटी खाता है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है ना, और जो मनुष्य थे वो तो अच्छी तरह से कष्ट देते हैं, वो तो ऐसे कष्ट नहीं है, वो तो कोर्ट केस में और चौराहे के ऊपर वो तो बाकायदा है ना, वो सब आपको पता है। दूसरे उत्तर, ये सारे क्लेश आदि भौतिक क्लेश में आता है, मतलब दूसरे मनुष्य या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से जो तकलीफ मिलता है आपको वो सबको कौन सा क्रेड में आता है, आदि भौतिक क्लेश। तो उसके बाद दूसरा क्लेश होता है आदि आत्मिक, अच्छा आदिदैविक, अच्छा आदिदैविक में आदिदैविक क्लेश जो देवताओं के द्वारा मिलता है, वो बेचारे कोई पशु पक्षी प्राणी अपना अगर बगल पति पुत्र पत्नी नहीं देते गले उलझ, वो तो सीधा देवता जैसे अभी ओडिशा में होगा, अभी प्रभु जी बता रहा था भुवनेश्वर पूरी तो अच्छा खासा हुआ, अभी तक करंट नहीं आ रहा है, दिन हो गया सब टूट हो गया, ये किसका हक किसको दोष देंगे, देवता। देवताओं ने कभी सूखा पड़ गया, भरी गर्मी, फ्लड, बन्या, साइक्लोन, ये किसी का हक नहीं, कोई प्राणी बेचारा क्या कर सकता है, ये देवताओं के क्लेश, इसलिए वो जो कष्ट है वो है आदि दैविक क्लेश। तीसरा क्लेश है आदि आत्मिक, भैया देवताओं को छोड़ो, दूसरे कोई प्राणी को छोड़ो, अपने आप ही क्या कम कष्ट होता है ना, सब दर्द करता है, सर को ठीक किया पेट दर्द करता है, कमर दर्द करता है, अब क्या करो, अपने आप में किसको दोष दो है ना। तो ये तीन प्रकार के भगवान ने पहले से जब सृष्टि बनाया तभी से मैन्युफैक्चर कर दिया उनके साथ, उससे कोई बच नहीं सकते तीन तीन क्लेश से। तो बोलते हैं कि एक तो जीवन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, उसके ऊपर भी एक क्लेश, इसीलिए करना क्या है, इतने अनित्य जीवन में इतने टेंशन इतने तकलीफ लेकर के क्या करना चाहिए, केवल एक ही काम करना है, नाना विधा विपद भारत, इसलिए नामाश्रय करी जतने तुम्हें ताका आप। तो अगर कोई बचना चाहते हैं तीन प्रकार क्लेश से, ये विपद से, ये अनित्य मानव शरीर को भी सही प्रकार से उपयोग करना चाहता है ताकि वो दोबारा ये कष्ट मुझे ना मिले, वो विद्यमान है, तो उसको क्या करना चाहिए, श्री नाम भगवान के आश्रय लेकर के अपने कार्य करना चाहिए, नामाश्रय करी जतने तुम्हें ताका अपना कार्य, अपना तो काम करना है तो करना है, आप लोग हाउस वाइफ है घर के काम सब करेंगे, काम करते करते लेकिन मन में नाम लेते रहो, सुबह शाम नाम लेते रहो, काम करते भी नाम लेते रहो, आप जितने प्रभुगण है वो भी जो जो काम अपना करेंगे, तो ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो, इधर उधर जहां भी काम करना है काम करते रहो, मुख में नाम लेते रहो, मुख में अगर वॉल्यूम ज्यादा कम से नहीं करते वॉल्यूम लो करके करो, वॉल्यूम नील करके करो, मन में कोई थोड़ी देर लेकिन करते रहो, नाम के आश्रम में रहो, नाम के आश्रम में रहकर काम करोगे तो बच जाओगे, और अगले के लिए तो पक्का नहीं आएंगे। तो जीवे कल्याण साधन काम, तो जीव का केवल कल्याण साधन करने के लिए इस जगत में ये नाम आए, जगत आशी मधुर नाम, कैसे आते हैं ना, अविद्या तिमिर तपन रूपे, तपन मतलब सूर्य, तिमिर मतलब अंधकार। अब सूर्य को कोई पूछो, भगवान सूर्य मुझे बताओ रात 12 बजे कैसा अंधकार होता है, बता सकते हैं, क्यों भगवान नहीं बता सकते,
सूर्य कभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो नजर डालेंगे तो अंधकार रहेगा कैसे? सूर्य के सामने रात दिखेगा? रात का सूरज का कभी सामना सामने हो नहीं सकता बराबर, कभी सामना हो गया। सूरज आने से पहले ही रात भाग जाता है, और सूरज उगने से पहले दो घंटा पहले हो जाता है, सब देखा पड़ता है, उजाला हो जाता है। तो नाम भगवान सूर्य है, और जो अविद्या है और अंधकार है, दोनों का पटकन है। नाम को हृदय में लाए तो अंधकार रहेगा, अविद्या अंधकार कोसो भाग कर जाएगा पता नहीं चले। इसलिए अविद्या अंधकार के लिए श्री नाम सूर्य है, हृदय का गले विराज, हृदय में नाम सूर्य उदय होंगे तो अंधकार कैसे रहेगा? इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम सुधा करियापा, कृष्ण नाम अमृत है सुधा, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण भक्ति विनोद। कहते हैं कि अगर आप कृष्ण नाम करेंगे तो मेरा हृदय जर्जरित होगा। नाम बिना कुछ नहीं करार चौदह भुवन पाचे, बोलते हैं पूरे फोर्टीन प्लानिटरी सिस्टम पूरे चौदह भुवन में नाम जैसा कोई वस्तु तो है ही नहीं। आप और हम सब कितने आसान पढ़े विदेशी चीज के लिए ना, अगर किसी को शर्ट बटन भी खरीदना हो ना, अगर पता चला मेड इन यूएसए दो रुपया ज्यादा देकर उसी को है ना, सभी का मन में भूत बैठा इम्पोर्टेड कलम भी खरीदा ना, यही सब पड़ी इंडिया है यहाँ का मेड इन यूएस, घड़ी है पेन है कपड़ा कुछ भी विदेशी चीज खरीदने के लिए तो हम पागल होते हैं, लोन करके खरीद लेते हैं। और ये नाम जो है तो सबसे सुपर इम्पोर्टेंट चीज, ये भौतिक ब्रह्मांड का भी नहीं है, ये चीन जापान इंग्लिश वाला नहीं है, ये किसका माल है? सीधा गोलोक धाम से, ये चौदह ब्रह्मांड से परे ऐसे नाम है। इस चौदह ब्रह्मांड में भी इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए चौदह भुवन में नाम जैसा कोई वस्तु है ही नहीं। नाम बिना किछु नहीं कर चौदह भुवन वाच, पूरे चौदह ब्रह्मांड में चौदह भुवन में अगर कुछ आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज चाहते हो ढूंढते हो तो क्या है वो? श्री नाम। ये श्री नाम को लेने के लिए जो एक बार कटिबद्ध हो जाता है, जो प्रतिज्ञा कर बैठता है अब नाम मैं करूंगा, तो उसी दिन से उनका कल्याण शुरू हो जाता है। अब किया नहीं, करने का निश्चय किया, उस दिन से उनका जैसे सूर्य उदय होगा, अभी दो घंटा बाद सूर्य होगा तो उजाला हो जाता ना, अंधकार चला जाता, तो ऐसे मैं नाम करूंगी या नाम करूंगा और अंधकार गया, अविद्या जाएंगे भाग जाएंगे। अब नाम करने के लिए चाहते अब किए नहीं, करने की केवल इच्छा प्रकट किए तब चले जाए। हम इस प्रकार के कसम इस प्रकार के प्रतिज्ञा सभी को करना चाहिए, जितने मनुष्य है करना चाहिए। हम तो आशा करते हैं आप जितने थोड़े बहुत ये सेंटर के साथ जुड़े हैं तो आज ही इस सूर्य वासरे रवि वासरे आज सुबह तो आज सुबह से सुबह अपना आप कसम ले लीजिए कि हम जीवन जब तक बाकी है तब तक हम नाम के आश्रम रहेंगे। नाम के आश्रम लेने के लिए जो चिराचरित प्रथा है हमारे सनातन धर्म में, वो नाम प्रभु के दास बनते हम आपके आश्रय में रहेंगे, इसके लिए यूनिफॉर्म लेते हैं। जैसे तिलक है, चोटी है, कंठी है ना, नहीं ऐसे इसी के लिए करते हैं, ऐसे यूनिफॉर्म है। आप लोग जैसे कोई आजकल बड़े बड़े स्कूल होगा ना, तो स्कूल में जाएंगे तो अपना अपना स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता, कोई लाल कोई पीले कोई सफेद कोई ग्रीन कोई ब्लू सभी का, तो ड्रेस देखने पता चले तो ये स्कूल वाले ड्रेस पता चल जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे ये तो कृष्ण वाले, ये तो कृष्ण पार्टी के है, उद्धव कुंडरक देखेंगे और छोटी गंडी देखेंगे बोलेंगे तो कृष्ण पार्टी, तो ये हमारे यूनिफॉर्म है, देखने से ही समझ जाए। शास्त्र में कहा गया है भक्तों के परिचय में कि जो नाम लेते हैं तो भक्त है, लेकिन उससे भी बड़े भक्त हैं जिनको देख करके दूसरे लोग नाम लेते हैं।
उसको देख करके दूसरे लोग भी वापस उनसे नाम निकल जाता है, बोलते वो और बढ़िया बात। अब जितने भी इस कल की बोटी बता रहा, बाकी कोई भी संस्था का नहीं, इस कल की बोटी कहीं भी चौराहे पर, स्टेशन पर, चाय दुकान पर, मार्केट में कहीं भी खड़े हो, कोई भी लोग कहेगा हरे कृष्ण वाले, उनसे नाम निकलेगा ही निकलेगा, बोले ना हरे कृष्ण वाले। हम सुबह मॉर्निंग का पूजा जो देखते हैं हरे कृष्ण वाले, चलो भाई कुछ चुप चुप करते नाम, एक दो बार नाम निकालते हैं, हम हरे कृष्ण देख करके बोलते हैं सर। और शास्त्र में क्या कहा, जो देख करके उनका इच्छा नहीं, देख दिया कि नाम निकलेगा उनको। तो इसलिए आप लोग को हमारे संप्रदाय में कहा गया कि कंठी धारण करना, तिलक करो कंठी, कंठी जानते किसी को है आपका, कितने लोगों का कंठी है आप उठाइए, कितने लोगों का कंठी है, प्रभु जी का नहीं दिया, नहीं आप ले लिया उनको नहीं दिया, बाहर खाते हैं प्याज लहसुन। अच्छा अभी बोल बाहर आउटिंग बहुत ज्यादा, आउटिंग हम लोग से ज्यादा रहते हैं क्या? हम लोग आउट में ही रहते हैं बाबा, हमारा यही होता नहीं क्यों? अभी हमारे साथ तो आए ट्रेवलिंग करके देखा, वो तो मथुरा से हम दिल्ली से, अगर इच्छा है तो उपाय भी है। ये कंठी केवल इसलिए नहीं मानते हैं, कंठी मानना जैसे पहले को सोने का चैन, चांदी के चैन और क्या क्या डालते हैं, लेकिन हम ये तुलसी के व्यक्ति के धारण करते हैं, तुलसी कृष्णा कृष्ण के जो सबसे नियर एंड डियर वो क्या है, आप कितने 56 भोग फल फूल बढ़िया बनाकर भगवान के तो भगवान देखेंगे नहीं छूंगे, लेकिन तुलसी की पता डाल दो आरोप, इतने प्रेम है तुलसी में, कुछ भी दे दो तुलसी उनके इतने प्रिय है, पत्थर बन गए भगवान तुलसी के कारण, फिर भी तुलसी को नहीं छोड़े, सर्व धारण कर, तुलसी इतने कृष्ण के प्रेमी है, इतने प्रेयसी है, तुलसी महारानी प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण प्रसन्न हो ही जाए। तो इसलिए तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, तुलसी की देख करके हम प्रसन्न हो जाए, और तुलसी देवी की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होता है, तुलसी तुलसी के पास बैठ के जप करना, तुलसी महारानी तुलसी अत्यंत शुद्ध है, जितने प्यूरिफाइंग एजेंसी है सबसे टॉपमोस्ट प्यूरिफाइंग एजेंसी है तुलसी, इसलिए तुलसी को धारण करो तो शुद्ध हो जाएंगे, सब शुद्ध हो जाएगा, तुलसी स्पर्श करते ही शुद्ध, क्योंकि भगवान के प्रेमी प्रेसी इसलिए शुद्ध हो जाएगा। और हम लोग इसलिए सब सोने चांदी के गले में माला उतार करके इस सूखे तुलसी के लकड़ी के डालते हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रेयसी, कृष्ण के प्रेमी, कृष्ण के प्रेयसी को हम जब कंठ में धारण करेंगे तो भागवत में छठा स्कंध में बात आया, जमराज स्वयं अपने दूतों को बोलते हुए देखो मैं मेरे दूत खबरदार मैं वाणी देता हूं, जिनके गले में तुलसी के कंठी देखेगा और मुंह में नाम सुनेगा कोसों दूर से मुंह मुड़कर जाने पास नहीं जाना, तभी खबरदार तब मेरे निर्दोष नहीं जाना, क्या होगा मैं पहले से मना करता, रूल आउट कर दो उनसे। आप बोलेंगे ठीक है नाम कर लेंगे, लेकिन कंठी धारण करना जरूरी थोड़ी है, आप चले वो कंठी में कंठी धारण इसलिए करते हैं कि हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, आश्रय एक बात है आश्रित हो जाते, कैसे शास्त्र में कहा गया हम भगवान के कुत्ते बन जाते हैं, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं जानते ना, जानते ना नहीं, एक होते हैं पालतू कुत्ते एक होते हैं फालतू कुत्ते, अरे पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, दोनों तो कुत्ते ही है लेकिन देखने में अंतर आता है, क्या जो पालतू कुत्ते उनके गले में पट्टा लगा हो
बिना पटे वाले हो आप बेचारे को तो पूछते नहीं खान पान और पालतू वाले को तो मालिक उनको डिनर कराने के लिए जाता है। हाँ हम देखते हैं बेचारे मालिक क्या करेंगे उनको नींद से हराम नींद से उठते तो कुत्ते को लेकर जाना पड़ता है उनके नौकर तो ये पालतू कुत्ते गाड़ी में बैठ कर जाता है घर में सोएगा टीवी देखेगा सब कुछ करेगा वो पालतू है खान पान का बिल्कुल बिंदा चिंता नहीं तो बेचारे फालतू कुत्ते मर गए कहां भागे भागे जाते हैं पेट तो भरता ही नहीं उनका कोई खाने नहीं। तो इसलिए भगवान मालिक है ना उस मालिक के और फालतू कुत्ते बन जाओ बिंदास गाड़ी में घूमो चकाचक तो फालतू कुत्ते बनने के लिए बदलावान भगवान के बेल्ट श्री तुलसी महारानी को गले में बांध दो और सब फालतू कुत्ते बन जाएंगे नहीं तो फालतू कुत्ते और जानते हैं क्या हो रहा है फालतू कुत्ते को कोई आकर भूखा तो पीटेंगे डंडा मारेंगे भागे बेचारे क्या दुर्भाग्य क्या है कोई नहीं पूछते तो ऐसे फालतू कुत्ते से निकल कर फालतू कुत्ते बचना चाहते हैं तो आज ही गंदी धारण करो गूगल प्रूफ हो तो सप्लाई देंगे सबको आज ही फालतू कुत्ते बन जाओ सब आप चिंता नहीं मालिक स्वयं आपको देखभाल करेगा हमारा क्या चिंता कुत्ता तो गड़बड़ है वो मालिक लेकर जाता है उसको गाड़ी में बैठा कर हॉस्पिटल लेकर जाता है उनको कितने टेक केयर करते हैं ना आपके छापा में बहुत है कुत्ते प्रेमी तो तो ऐसे तुलसी के ग्रंथी धारण करने से कृष्ण के पालतू कुत्ते कृष्ण प्रेमी बन जाएंगे। और दूसरी बात है आप माता जी जो बात कहे कि प्रभु जी डरते मारे इसलिए नहीं पहनते कि बाहर में जाता हूं अपना काम काम में नहीं हो पाता भैया तो मतलब लाइसेंस ले लिया मैं कुछ कह सकता हूँ ये रहने से डरता है तो ये डर रहता है घंटी पहन करके हमको 10 बार सोचना पड़ता है कोई कैसे खाओ घंटी धारण क्या हो आपको बचा देगा घंटी आपको पाप से बचा देगा घंटी बचा देगा और घंटी नहीं है तो लाइसेंस है फ्री जैसे हमारे जो भक्त लोग है जो ये वस्त्र पहन दिए कंठी तिलक और ये सपन टोटा पहन लिए अगर कल मन में उनका बहुत भारी होगा चलो आज फिल्म देख लेते हैं अगर फिल्म हॉल में जाएंगे टिकट खरीदने के लिए तो लाइन लगा है सच बता रहा हूं जितने लोग होंगे ये फिल्म देखेंगे तो उनको देखेंगे तो अरे ये कौन आ गया भाई है ना और आप परेशान हो गए यार मैं टिकट खरीद के मुझे क्यों देख रहे क्यों ये ड्रेस ही ऐसा है तो बचाएगा करने नहीं देगा तो ड्रेस बचाव है कंठी बचाव है आपको सुरक्षा कर लेगा तो इसको डर के मारे इसने ये आपको बचाने वाला है ये आपका कवच है तो इसको धारण करके गड़बड़ करेंगे तो कर नहीं सकते 50 लोग देख रहे अरे ये महात्मा जी ये है ना तो कंठी धारण करने से मन में कवच आएगा बचाव की भावना आएगा हम गड़बड़ कर ही नहीं सकते तो इसलिए जो सुधरना चाहते हैं और शुद्ध होना चाहते हैं उनको तो जितना सिखा सीख लग तो कृष्ण के पालतू हो जाना चाहिए कंठी धारण करना चाहिए और श्री तुलसी जी कंठ में रहेंगे और अगर कंठ में श्री तुलसी रहेंगे तो फिर कहना है क्या तो कृष्ण तो बरबस बैठेंगे तो कितने कल्याण है कल्याण तो जिनके अभी तक कंठी धारण नहीं किए हैं सब आज ही परंतु कुत्ते बन जाएंगे बिंदास नहीं है ना तो इसको कहते हैं नाम आश्रय नाम के आश्रय करके बड़ी आश्रय कुछ तो नाम भगवान के आश्रित होना मतलब उनके बन जाना है कंठी धारण कर लिया मतलब उनके हो गया कंठी तिलक किया मतलब और कृष्ण के परिवार का हो गया अब कृष्ण हम आए हमको भी चिंता पड़े हमारा कब पैसा बचाया कहा घर बैठे ना इनको उनमें कुछ नहीं लेकिन प्रभु जी ने कराया हम तो एक दो पैसा के कमाते नहीं लेकिन फास्ट एसी में आए बैठे अब फिर जाएंगे चक्का से है ना क्योंकि फालतू कुत्ता है कृष्ण
इतने आनंद में रहना है तो कृष्ण के पालतू बन जाए, ऐसा फालतू बात से छोड़ दीजिए बन जाए। तो अभी आते हैं प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे चेष्टा मत कीजिए जिसमें थोड़े बहुत आपका आयु है बर्बाद हो जाए, जितने दिन का जिंदगी है वो बेकार ना हो जाए, ऐसा प्रयास ऐसा चेष्टा मत कीजिए जिसमें जीवन के लक्ष्य प्राप्ति ना हो। तो लक्ष्य क्या है? मुकुंद चरण प्राप्ति। इसी तरह तो आगे कहते हैं ततो यते कुशल खेमाय भवमाश्रित शरीरम कौर संजावन विपद्येत पुष्कळम पुष्कळम। अतः इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त ना हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। ततो यते कुशलम, इसलिए शरीर का तो अनित्य शरीर कोई ठिकान नहीं पकड़ रहे, तो जब तक शरीर ठीक ठाक है जावन न कुशलम न विपद्यते पुष्कलम, जब तक वो जराग्रस्त शरीर नहीं हो जाता, मतलब दांत आंख नाक कान सब स्ट्राइक ना कर देते, कुछ नहीं करना, पढ़ पाएंगे ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे ना खा पाएंगे मूंगफली नारियल, ये सब दशा आने से पहले आप अपने जीवन की कुशलता कल्याण कर लीजिए। वो क्या है? जीवन की चरम लक्ष्य भगवान भजन प्राप्ति, उसको कर लीजिए जब तक शरीर ठीक ठाक है साथ न करे। अब शरीर पर साथ बजे देता आगे चलते रहे साथ देगा क्या करेंगे उसका, तो इसलिए लेट मत करो, जब तक शरीर ठीक ठाक है तब तक कर लो, आगे चल करके कोई गारंटी नहीं शरीर साथ देगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा कुमार आजत प्राज्ञम, बच्चे को 5 साल से ही शुरू करना चाहिए प्राज्ञा शब्द का, उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आर्थिक उन्नति के लिए उत्तर विलित तरह कार्य करते हुए अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना। कितने कड़े शब्द से गोपाल बोलते हैं, ढंग से सुनिए उसको क्या कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भले और बुरे को ज्ञान रखता है, आपने आर्थिक उन्नति के लिए समझ रहा है, आपने आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। क्लियर? खड़ा लगता है इस श्लोक के भवमाश्रित के स्थान पर भयमाश्रित पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें निष्कर्ष वही निकलता है। भयमाश्रित सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है। भौतिक भय जीवन जब तक रहेंगे कोई एक घंटा नहीं जाएगा जब डर से बच जाए, भय से पूर्ण है क्योंकि पद पद पर संकट बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंताओं तथा भय से पूर्ण है। इसी प्रकार भवमाश्रित पाठ स्वीकार करने पर भवम अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावना बुद्धि के भाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है जहाँ वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चिंतित रहता है। इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन 4 प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त होना चाहिए।
किंतु हरेक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो, यदि कोई भक्ति के बिना रहता रहना चाहता है तो उसके ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं रहता। कोई अच्छा ब्राह्मण बना, अच्छा वैश्य, अच्छा क्षेत्रीय बना, लेकिन भक्ति नहीं करता है। कहा जाता है स्थाना भ्रष्टा बदंती, कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन निश्चित है। विज्ञान पुरुष अपने पद से चित होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। अतः नियामक विधान है, मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहता है। अतएव हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे जीवन के बीच अंतर कर सकें। विचार ज्ञान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीख करके इस तरह से कर्म करना चाहिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। 200 वर्ष शतम ज्ञाउ तदर्थं चाजितात्मनः निष्कलं यदसो रात्यं सतेन्द्रं प्रापीतस्तमः। आगे प्रभात महाराज कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 साल की है ना। कलयुग में आयु का लिमिट है 100, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो सोते सोते कट जाता है। रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए बीत जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होता है। बोले ऐसे तो आयु का लिमिट 100 साल का है। बोले जो सेंस कंट्रोल जिनका नहीं है और जो खूब सोते हैं जम करके, उनका आधा आयु का 100 वर्ष बीत गया, तो बचा कितना है? फिटनेस कितना रहता है? 50% 50 साल एक्टिव और 50 साल इनएक्टिव रहते हैं। तो इसलिए मुग्धस्य बाले किशोरै क्रीडन्ते यान्ति विंशति जरया ग्रस्त देहस्य चात्य गर्भस्य विंशति। तो हिसाब लगाते हैं, गणित करते हैं बल्ला जी। बोलते मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकुमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। 10 वर्ष तक लड़के को भी कुछ बोलता नहीं, वो बिंदास अपना मनोरंजन करता है। खेल कूद में बालावस्था क्रीड़ा आवश्यकता, तो खेल कूद में बीता जाता है 10 साल तो ऐसे जाता है, कोई मतलब नहीं रखता। और सब बोलते हैं बच्चा है बच्चा है बच्चा है करके माफ मार जाता है, 10 साल तो गया भाई, मतलब का कोई काम नहीं, 10 साल ऐसे जाता है। बाल्यकाल की सुकुमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त रहते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में और अगले 10 वर्ष, और जब किशोर हो जाता है, अब शंकराचार्य का कहना है बालावस्था क्रीड़ा आसक्ता किशोरावस्था किशोरी रखता, तो तरुण अवस्था में तरुणी के पीछे भागते भोग लेकर जाता। अगले 10 वर्ष इस प्रकार बिता देता है, इस प्रकार से 20 वर्ष तो बचा कितना था उनके पास में एक्टिवनेस में 50 साल, सो गया तो 50, बाकी बचा जो 50 था 50 में खेल कूद और फालतू चीज में 20 साल लगा दिया, बाकी रहा कितना 30। तो उसको इसी तरह वृद्धावस्था में जो फाइनल है आता है, बूढ़ा हो जाता है, कोई काम के लायक रहते हैं बिना लायक बनाता है। इसी वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, तो उसमें उसके 20 वर्ष भी जो 80 से जो 100 साल रहते हैं, 80 से 100 वो जो 20 साल जो जिए हैं, और देखो किसी भी वो भी ना लायक, वो 20 साल भी गया, बचा कितना 10 साल। और 10 साल में घर संसार चलाना ये सब क्या बचेगा, कछु राजकुमार की लक्ष्य करेगा। एक महात्मा जी ने बता रहे थे, आप लोग तो सुने होंगे शायद, बोले एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, ब्रह्मा जी का सृष्टि करते हैं, हरेक दिन सृष्टि करते हैं, कल्पों कल्पों एक कल्पों में ब्रह्म कल्पों में ब्रह्मा सृष्टि किए। बोले चलो इतने सारे 84 लाख प्रकार के शरीर बनाया, उनको सब
बोले चलो इतना डिस्टर्बेंस नहीं, सेम करता हूं प्लान सबको 40 साल के आगे, सब कीड़े मकड़े मनुष्य सबको बोले फटी ऐसे लिमिट सब का फटी 40 साल। जो 40 साल कह दिए सबसे पहले मनुष्य है झाड़ू वो साहब आप कह रहे हो 40 साल होते क्या? अरे राजू साहब कंप्लीट होता 25-28 साल लग जाता, अरे उसके बाद में तो शादी से जाकर नौकरी करते 40 साल खत्म हो जाएंगे, तो हमारी जिंदगी का मतलब क्या होता है? आजकल तो 40 साल आधी शादी करते लोग करते ना, 40 साल जिंदगी खत्म है, क्या जीवन दिया 40 साल ना बोलो अभी झगड़ता है क्या करो ना साहब कुछ मुझे एक्स्ट्रा से दो कुछ आ दीजिए ना हम स्टॉक में है, जब स्टॉक में आएगा आगे तो आप प्लीज नोट कीजिए जैसे स्टॉक आएगा मुझे प्लीज दे और रिक्वेस्ट लेटर डबल रिक्वेस्ट करके गया। और कुछ दिन के बाद में सबसे पहले एक गधा आया, गधा आया आकर बोला भाई एक तो गधे हूं काम तो कुछ नहीं, वो ढो ढो करके माल मेरा मालिक मेरे से काम कराता है सूखे घास डाल देता है बस गधनी की लात खाता हूं और सूखे घास खाता हूँ 40 साल तो यही करते हुए माल करता है नहीं नहीं और चाहते कम ना 50% कम करो कम करो 50% इतना नहीं दे सकता क्या ना 20 साल के आगे वापस ले लो मुझे उम्र 20 साल का तो गधे की उम्र कितना होता है 20 है और 20 वापस दे दिया वापस देकर चला गया इतने में चला मैं झेल लूंगा क्या 40 साल तो मरते दम तो नहीं करो 20 साल का सब डाल तो चला गया। जैसे स्टॉक में 20 साल आया तो ब्रह्मा जी ने फोन किया बोले हे म्यान हे ब्रह्मा जी अरे कुछ स्टॉक में माल आया हम अभी आता हूँ लेकिन खबरदार ये गधे का हाँ चले गए दौड़ के म्यान आया देखो 20 साल के स्टॉक में आया है लेकिन गधे का आ गया नो प्रॉब्लम दे दो मुझे चले हाँ चला तो गधे का 20 साल को लेकर गया बोला खुश नहीं नहीं इतने में क्या और स्टॉक में आया तो बता तो चला गया। तो कुछ दिन के बाद में एक बच्चा होता नहीं नहीं वो कुत्ता आया, कुत्ता आया आकर बोला ब्रह्मा जी ये मेरे लिए नहीं होता है मुझे भी 40 साल दे दिया मैं फालतू कुत्ता ऐसे घूमता रहता हूँ मरते डरते कोई खाना ही नहीं मिलता पिटते रहते भगाते रहते कुत्ता को खड़ा कर देते सब भगाते रहते हैं मेरे जीवन अब जीवन भर तक ऐसे नहीं नहीं चलेगा क्या करना मैं 50% तो 20 साल आयु वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले हे म्यान अब कुछ स्टॉक में माला है ना आता हूँ लेकिन खबरदार ये कुत्ते का आयु चलेगा नो प्रॉब्लम अब दौड़ कर आया बोले दे दीजिए कुत्ते वाला है ना चलेगा चलेगा तो 20 साल कुत्ते वाला आयु ले लिया बोले अब पूछना नहीं और कुछ आएगा तो स्टॉक इसमें क्या होता है तो फिर गया उस दिन के बाद में और जाता उल्लू हो गया बेचक आप बेचक तो उल्लू उल्लू जो घूम करके होता है लक्ष्मी जी के बाहर बताता हूँ तो है ना उल्लू उसको मालूम है दिन में नहीं दिखता पता ना दिन में नहीं दिखता उसको तो वो आया आकर तो ब्रह्मा जी बोला जी मेरे लिए नहीं जाता एक तो दिन में दिखता ही नहीं और किसी के घर में जाता तो भगाते बोली अशुभ माना जाता ना उसको ना हो जाए भागो अब मैं क्यों जीवन भर ऐसे कर दू मेरा भी आधार है वो 20 साल के रिटर्न किया जब रिटर्न किया ब्रह्मा जी फोन को है म्यान अब कुछ स्टॉक में माल आया ना मैं आता हूं लेकिन ये उल्लू का है हाँ चले नो प्रॉब्लम दौड़ के आया उसको भी लिया अब मनुष्य का आयु कितना हो गया 100 जन्म मानता बोला अब कुछ ना आपका चल जाए अब चलेगा तो 100 साल का आयु लेकर मनुष्य चला गया अब पहले जो 40 साल का आयु एक मनुष्य की तरह जिएगा 40 साल के बाद में जो 20 साल है वो कैसा जिएगा गधे की तरह बिल्कुल याद रखना गधे की तरह लात ना खा करके अब गधे की तरह काम करना अब 60 साल का जब हो जाएगा फिर कौन सा आयु शुरू होगा कुत्ते अब तो रिटायरमेंट हो गया ना
बच्चे को नातियों को नहीं ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं करता, ये सब करा देंगे सब बिगाड़ देंगे ये कर देंगे, घर में बैठे बैठे गालियां देते रहेगा, सब बोलते रहेंगे बुढ़ा क्यों डिस्टर्ब करता है हम जो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कुत्ते की तरह भुक भुक करता रहेगा, कोई लाइक नहीं करेंगे लेकिन करता रहेगा, जब 80 साल का हो जाएगा और गलिया पकड़ लेगा तो गाली भी नहीं दे सकता, दिन में देखता नहीं दिन में पड़े रहेगा खटिया में, अगर बाथरूम में लेकर जाना पड़ेगा तो खटिया में बाथरूम होगा तो, लेकिन रात को नींद नहीं होगा, दिन भर तो शांत पड़ा रहेगा, रात भर किसी घर में सुने नहीं रहेगा परेशान, वो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया यार हमको सुने भी नहीं देता, क्योंकि उल्लू है ना उसके दिन में नहीं देखे रात भर परेशान करते रहे, इस प्रकार के आजकल जीवन है तो सचमुच 40 साल के अंदर वाले जो है मनुष्य के शरीर में अगर भक्ति नहीं कर पाए तब तो दर्द दर्द नहीं कर पाए, तो इसलिए अभी जिनका 40 साल नहीं लगा है तो इसलिए कुछ कर लो नहीं तो फिर आप गड्ढे कुत्ते सब आ जाएंगे है ना, फिर नहीं होता, तो इसलिए कितना हमको सावधानी रहना चाहिए कर लेना चाहिए, सीरियस है 40 हो गया क्या बात है, माता जी कम किया दे देंगे तो कम से कम फालतू हो जाए तब तक कृष्ण समान है आपका चिंता है, चाहे कुछ भी होने कृष्ण टेक केयर करेंगे है ना, तो ये प्रभाव महाराज ने मुझे जीवन की आयु के गणित सिखा करके अपने बच्चे को सिखाते हैं, बोले गिन कर बता दे हिसाब करके बच्चा कितना है शरीर, अगर 100 साल भी जिंदा रहते हो तो है क्या जीवन के लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कितना दिन बचेगा तेरे पास, इतनी सीरियस हो तो क्या करना है, तो 2000 कृष्ण करना है अभी से, नो टाइम फॉर प्लेइंग, तुरंत खोल करता उठा लिए और वहीं पर स्कूल में ही शुरू कर दिए कीर्तन, काल जैसे आप ड्रामा देख रहे वहीं से कीर्तन शुरू किए, उनके टीचर सुनना बोली ये कौन काम से आते हो नहीं सुने थे हमारे स्टेट में तो होता नहीं ये नाम कहां से सुने, अब दौड़ कर आए आप देखिए पूरे यूनिवर्सिटी में एक भी बच्चा बाकी नहीं था, सारे गए इमरजेंसी लैंड लैंड थे तो ये नहीं सेल फोन ना ये नहीं था मोबाइल लैंड लैंड में कॉल किया होंगे ना कुछ बोले सर सत्यानाश पूरा यूनिवर्सिटी बिगड़ गया आपके बेटा ने एक भी बच्चा खाली नहीं रखा, सारे खुशहाल हरे कृष्ण बन गए साहब, एक भी नहीं बच्चा तो हिरण कृष्ण सबसे ज्यादा गुस्सा हो, अब तो टेंशन भेज दिया था गुरुकुल को देखो जिसे देख रहा था, लेकिन ये केस हो गया पूरे यूनिवर्सिटी बिगाड़ दिया उन्होंने, सबको नचा दिया हरे कृष्ण करवा दिया, तो बच्चे बोले जैसे टीचर आया ना सारे उनका किताब लेकर उनको कहते हुए लो तेरे पॉलिटिक्स किताब हम नहीं पढ़ते क्या करोगे ना मध्य सुन करो खत्म हो गया हमारा तो सब गया तो घोन के साथ बिगड़ गया यूनिवर्सिटी खत्म, तो इन्होंने किसी को गुस्सा में पुलिस भेजा और पकड़ के लाओ, आज मैंने खून मारूंगा अब तक मरवा रहा था आज मैं मरूंगा, अब कैसे हुआ कैसे मरा हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है यस अच्छा उसका किसी कुछ पूछना है नो क्वेश्चन यस महाराज ये आप जैसे कल भी बता रहे थे आज भी ऐसा पता चला कि ये भौतिक संसार में सुख नहीं है लेकिन बहुत बहुत धर्म मिलता है, जैसे हम काम जैसे हम काम करेंगे तो सैलरी मिलता है, बिजनेस में पैसा मिलता है, दोस्त से सुख मिलता है, अच्छा खाने से सुख मिलता है, जैसे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मार्क मिलने से सुख मिलता है, तो मेरा दो प्रश्न था महाराज की पहला तो क्या इसको सुख बोलेंगे ये जो भौतिक संसार में ये सुख है क्या, अगर नहीं है तो ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है कि अगर ये सुख नहीं है लेकिन कैसा होता है कि ये जब आता है तभी हम भगवान को भूल जाते हैं, तो इस ऐसे परिस्थिति में भी भगवान को कैसे याद रखे ये भौतिक संसार के जो तथाकथित सुख प्राप्त होता है
तो उनको विचारक गोष्ठी ने सफल सुख कहते हैं। क्या सुख है? सफल सुख। सफल किसको बोलते हैं? चपला। अब बिजली जब चमकता ना बारिश के समय में उसको चपला बोलते हैं। चपला मतलब चमचक खड़ी आया और गया, जो बिजली का आग देखता है घड़ इसको क्या बोलते हैं? बिजली बोलते हैं। बारिश के समय जो आवाज होता है फिर वो लाइट आता है, लाइट फ्लैश, तो कितने समय तक दिखता है? आया और गया, तो वही सुख है ये जो सुख। उसको एक भक्ति ठाकुर कहते हैं, गोस्वामी कहे कि पहले जमाने में राजा लोग होते थे अलग अलग प्रकार के अपकर्म के लिए अलग अलग प्रकार दंड विधान होता था। तो एक प्रकार के दंड विधान करते थे राजा लोग, कोई इसे गड़बड़ी किया उसे पकड़ के ले जाओ तालाब में या कोई नदी में लेकर के आप पर बांध के डुबाओ, अब बिल्कुल डुबाओ, जो बिल्कुल अनविश्वास हो जाएगा आज से चढ़ाओ ना तो फिर छोड़ दो फिर डुबाओ। बोले इसे सोगा डुबा ना उसको, इसे दंड दे देता, राजा ने दंड देता था। तो उसको दो आदमी दिन आदमी पकड़ के ले जाते थे आप पर बांध कर गला में हाथ देकर डुबा देंगे पानी में, पानी में डूब कर कितने समय रहेगा आपने? बहुत मुश्किल से एक दो मिनट रहेंगे और उसके बाद तो मृत्यु पूरा भयानक यंत्रणा होगा, हाथ पर पिटेंगे। जब ऐसे मरणांतक यंत्रणा होगा तो उन्हें बहुत गड़बड़ करेंगे तो छोड़ देंगे। जैसे ऊपर उठेगा सो नाइस देगा, बोले और जो सो नाइस अभी सुख है, अब फिर सो नाइस कहते फिर दबाए फिर दबाए। तो संसार एक सुख मिलता ना, जो आपने जितने सुख के विवरण दिया ये सुख सो ऐसा ही ओ, फिर उठे हो फिर गए, यही चपल सुख। भागवत में कहा गया कि इस संसार के लोगों का सुख को पहचान नहीं है, पहचानते नहीं सुख क्या होता है, क्योंकि जन्म हुआ दुखालय में और जिए दुख के साथ में, दुख के साथ अपना सुख पहचान नहीं, किसे जान के दुख क्या हो, सुख क्या हो जानते नहीं। क्यों? बल्कि जन्म से देखे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता सुख के लिए, प्रार्थना के लिए नहीं। ये जो सुख मानते हैं जो सुख नहीं है वो केवल दुख के अब्सेंस है, वो क्या है? दुख के अनुपस्थिति को ही सुख मान लिए। बोले संस्कृत सुख नहीं, सुख किस निवृत्त थी, लेकिन दुख को निवृत्त हो गए और सुखी। क्योंकि समाज में हम लोग पहले जन्म में जब कभी कोई और थे थोड़ा बहुत सुख जानते थे, इसीलिए इस जन्म में सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करते 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 हाथ पर पीठ पाड़ कर थक के सुख नहीं मिलता, तो आदमी छोड़ दिया बोला उसका पीछा पड़ कर फायदा क्या, सुख तो मिलने वाला है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्या करूं, तो फिर दुख से मिटिकेट करो दुख से बचो। तो इसलिए पूरा टारगेट क्या किया, दुख से बचने के लिए। तो इसलिए पूरी भौतिक संसार में जितने लोग प्रयास करते हैं किसके लिए करते हैं, दुख से बचने के लिए। ये जो सुख चाहते हैं सुख नहीं है, दुख निवृत्ति चाहते हैं हम लोग, दुख निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कोई एक क्वाइन होता ना, उनका दो तरफ होता है, एक तरफ हेड टेल, ऐसा मैं कहूंगा दोनों अलग अलग हेड और टेल, मैं कहूंगा आप हेड को छिपा दो तो टेल हो जाएगा क्या, तो टेल को छिपा देने से हेड थोड़ी हो जाएगा, तो इसे दुख को दबा देने से सुख नहीं हो जाएगा, इस सुख को मिटा देने से दुख नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज है, बिल्कुल दूसरी तरफ है, लेकिन हम समझे नहीं, दुख के पल्ले पड़े हैं, सभी दुखी हैं, और इसीलिए सुखी होना चाहते हैं कि भी दुखी हैं, और सुख तो मिला नहीं तो दुख से बचने का टारगेट कर रहे हैं। जो जितने समय तक दुख से बचा इतने समय तक आपने को सुखी माना, लेकिन थोड़ी समय के बाद फिर दुख से बचा है ना, असली सुख नहीं है। तो इसीलिए दुख में भगवान कैसे याद आएंगे, क्योंकि इतने लंबी दुख के बाद में थोड़ा सुख आया तो दुख निवृत्त हट गया, अरे तो खुशी मना वाह वाह वाह, अब फिर दुख शुरू हो गया, फिर खत्म, भगवान के लोग भी याद करेंगे है ना, नहीं ये दशा समझ में आ रहा है कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी क्रोध क्रोध को कैसे कंट्रोल,
कल खुद तो पचास बदल होता है ना, पचास क्रोध शुरुआत कैसे होता है? कान से आपने बुराई अपने निंदा अगर सुनेंगे तो तभी क्रोध आता है। आपको प्रशंसा सुने क्रोध आता है नहीं होगा क्रोध का, बोलेंगे रसगुल्ला खिलाऊंगा वो खुलता है मेरा ध्यान पूर्ण है मेरा फॉलोअर। लेकिन आपके कड़ुआ बोली कोई आपके निंदा करे तब तो लाभ हो जाएगा। तो इसलिए क्रोध से बचने के लिए यही सहनशील होना कि आपने बुराई को आप सहन करने का अभ्यास करो। तो जब आपने जो क्रिटिसिज्म को सहन करने के लिए आप क्षमता प्राप्त किए तो आप पहुंच गए, है ना। तो सहनशीलता ही क्रोध से बचा। तो इसलिए सारे शास्त्र में साधुओं का जो भूषण साधुओं के लक्षण है गुण बताया गया, सबसे पहला गुण सभी प्रकार शास्त्रों में कहा गया साधु का पहला गुण है सहनशीलता। सहनशीलता जिनके पास नहीं है वो साधु हो ही नहीं सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु यहां तक कह दिए कि तरो अपि सहिष्णुना, तरो जैसे सहनशील, तरो मतलब पेड़ का पत्थर मारो, अभी आम का सीन है, आम का पेड़ प्रभु जी के दर के सामने कोई पत्थर मारे तो क्या मिलेगा आपको? आम मिलेगा। और आपको कोई पत्थर मारे आप क्या देंगे उसका? गोली मार देंगे यही हमारा आम और पेड़ में अंतर। पेड़ जैसा सहिष्णु हो पाएंगे? भगवान कहते हैं पेड़ जैसे सहिष्णु बनो तब जाकर भक्त बनोगे, आसान नहीं है। रो रूपी सहिष्णु, दो रूपी सहिष्णुता के कारण भगवान वर्णन करते हैं भागवत में भी सब जगह वर्णन आया, वृक्ष जना काटी ले हो किछु ना बोले, सुखाया वैले है कारे पानी ना मांगे। पेड़ को आपका पत्तल चाहिए, आम का पत्ता कलश डालेंगे आप घर सजाएंगे, गया आपको चाहिए 10-20 पत्ता 50 पत्ता चाहिए घर सजाने के लिए कलश डालने के लिए, तो गया जाकर तोड़ करके सीधा शाखा इतने सारे लगे थे लो बता तुझे चाहिए 10 पत्ता, ये पूरा इतने लिख रहा है। पेड़ ऑडिशन करेगा भैया सर इतने आप जितने चाहिए लेकर जाओ ना, क्या बोलेगा ऐसा नहीं, आप कुछ लो जितने तोड़ जाए कुछ नहीं बोले सब ठीक, और आप बेकार के लेकर आए फेंक भी ला कर थोड़ा यूज करो फेंक तू भी नहीं बोलेगा। बोलते केवल पत्ता लाला नहीं, फूल भी लाओ फल भी लाओ उसका शाखा काट कर लाओ उखाड़ करके जड़ भी लाओ उसके काट करके तना घर कबाड़ बनाओ खटिया बनाओ तभी कुछ बोलता क्या, काट पीट करके मार डालने पर भी नो ऑब्जेक्शन एक मुंह की छू बोल नहीं बोलता। और जब खड़ा रहता है रुखिया तो गर्मी लगता है बहुत तेज धूप दौड़ कर जाके पेड़ के नीचे खड़े होते शीतल ठंडी ठंडी बात देता है, कभी कभी बोलता है कि मेरे वजह से आप ठंडा पाते, आपने आपको कभी नहीं बोलता कि नहीं देता हूं ठंडी हवा छाया देता हूं ना, छाया राहत देता है दूसरे को गर्मी के समय और बारिश के समय से उसी के नीचे ला करके राहत पाते हैं सबको। आपने जो गर्मी धूप कौन सहन कर रहा है? पेड़ अपने ऊपर ले रहा है और आपको छाया दे रहा है, वो सहन करता है सारे कष्ट खुद सह करके आपको आपको उपकार करने के लिए बारिश और धूप सहन करके आप मदद करता है। लेकिन अब सूखा पड़ गया बारिश नहीं हो रहा है बिल्कुल पानी नहीं पेड़ झुलस गया, कभी किसी बोलता है कि मैया प्रभु जी मर रहा हूं एक एक आध बकेट पानी दे दो, मांगता है किसको? मर जाएगा सुख सुख करके फिर भी नहीं मांगेगा किसको, लेकिन देते ही रहेगा। ये है समस्या, कब हम इसे बनेंगे? भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे ऐसे सहनशील बनो क्रोध हो सकता। एक इतिहास में कथा आता है पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह, वो जा रहे थे तब जमाने गाड़ी घोड़ा था नहीं, वो दूर में जा रहे थे कुछ अपने सैनिक साथ में, एक जगह पर जाकर उनका टेंट लगाए उनका डेरा लगा, तो ये आम का बगीचा था वहां, उस गांव के लड़के जाकर के आम किसी में काम तोड़ते
पत्थर मारते दौड़ते बच्चों का ही काम, तो उनको नहीं पता था कि वो रणजीत सिंह राजा का टेंट लगा हुआ है, डेरा पड़ा है, एक लड़का तो मारता था, एक पत्थर गया और सुबह बैठे थे राजा पास बैठे थे सीधा जा करते राजा रणजीत सिंह का हेड में लगा सर में लगा थोड़ा ब्लीडिंग होने लगा और उस सैनिक तुरंत दौड़ पड़े ओम ने दुर्पत्र हजार मारा पकड़ लिए बाकी बच्चे तो भाग गए जो पकड़ा पकड़ लिए सो जाता वो बेचारा जानता नहीं था क्या हो गया मैं तो डेली करता हूँ पता हूँ डेली करता हूँ आप क्यों मुझे पकड़ रहे हाँ तो बदमाश मुझे मार डाले थे आप तरह मृत्यु दंड होगा रक्त मारे काम तत्व काम पड़ा था क्यों मार देंगे मुझे क्या होगा मुझे पता क्यों मुझे मारने के लिए पकड़ लिया पकड़ करके उसको गाली गुलाब खींच कर ले गए राजा के पास वो बेचारा छोटा सा लड़का था और उनको पता नहीं था राजा क्या होता है प्रजा क्या होता है वो तो बचपन से अपना पत्र मार पता था राजा पास ले गया वो खराब राजा बोले ये राजा है ना तू मुझे मार डालेगा वो मासूम लड़का था उसको राजा ने बोला तू क्यों पत्थर मार मैं आपको थोड़े पत्थर मार रहा हूं और मेरे सर में लगा मुझे नहीं पता था आप इधर बैठे हैं मैं तो पत्थर नहीं पेड़ को मारा था डेली मारता हूं हर सीजन में आया पत्थर मार के आपको रोका मुझे क्या पता कि आपके ले जाएगा बोला मैं तो डेली आता था आम के पेड़ को पत्थर मारता था और आम में पत्थर लगता था मुझे आम मिलता था और ये पत्थर आप में लग गया आप मुझे प्राण लेने के लिए ये बात जब बच्चों ने कहा तो राजा रणजीत सिंह को इस समय बनाया तो सही बात नहीं ये पेड़ से भी गए बीते हैं ये पेड़ है उन्होंने पत्थर खा करके आम देता है इस बच्चे को और पत्थर मेरे से लग गया मुझे प्राण लेने लग इतना भी नहीं हूं माफ कर दिया एक टोकरी भर करके पक्के हुए आम ला कर दिया लो इसलिए तो ये शिक्षा बच्चों से दिया था राजा रणजीत सिंह तभी आप लोग ओके और कुछ झगड़ा किए जो युद्ध होता है
पहले जमाने से युद्ध होता था और युद्ध कोई देखे भी नहीं सुने भर थोड़े लोग सम्मुख युद्ध में एक एक सेकंड में गला उतर जाएगा, थोड़ा सा सावधान हुए गला बिहेडेड। और अर्जुन के सामने तो सारे महारथी टारगेट में थे, कई सैकड़ों महारथी उनको टारगेट में अर्जुन के खड़े थे, एक सेकंड अर्जुन का ध्यान हटा तो गया, एक सेकंड में गला उड़ा देंगे। वो तो कृष्ण थे इसलिए उन्हें बचाते थे, लेकिन फिर भी इतने हाई टारगेट में अर्जुन थे। अर्जुन अगर हरे कृष्ण करने के थोड़ा सोचेंगे तो हरे कृष्ण बोलने के लिए हरे हरे गला उड़ जाएगा, क्या बोलेंगे। हाँ, इतने सीरियस क्वेश्चन था, लेकिन तभी भी भगवान बोले हमेशा मां अनुस्मरण, बारम्बार मेरा स्मरण कर, स्मरण और अनुस्मरण, अनुस्मरण तो एन आने के स्मरण कर, बारम्बार मेरा स्मरण, तो कैसे हाउ कैन इट पॉसिबल, संभव कैसे हो सकता। भगवान तो असंभव बात कहेंगे नहीं, भगवान अर्जुन कहे अर्जुन किया तो कैसे, उसमें तुम लोग लड़ाई छोड़कर बिल्कुल लेकर खड़ा हो जाए ऐसे नहीं, बोले नहीं लड़ाई करो बिल्कुल तैनात होकर कपड़े सतर्कता से सावधानी से बिल्कुल ऐसे होकर लड़ो, लेकिन ये जो तू लड़ रहा है इतने धुरंधर युद्ध कर रहा है, इतने हाई चैलेंज को सामना कर रहा है, तो उसको सोचो नहीं भाई आप भाई, मैं तो हरे कृष्ण बन करके भीख मांग कर खा लेता, चांपा जाकर प्रोग्राम करके अपना काम चल लेता, तो इधर क्यों हाई रिस्क ले रहा हूं। तो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि माई लॉर्ड कृष्णा स्टोरी, इसी को याद रखना है, ये स्मरण है ना, ये भगवत स्मरण है। केवल इतना ही याद रखो, कितने भी फोकस करके काम को इतना याद रखो, मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, मुझे काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो मैं मस्ती करूंगा, नहीं इसलिए काम कर रहा हूँ मैं कुछ धन इकट्ठा करूंगा, कृष्ण सेवा के लिए करूंगा, कृष्ण की प्रचार कर पाऊंगा, मेरे परिवार को कृष्ण भक्त बनाऊंगा, ये विचार जब मन में रहेगा दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, स्टॉप टेलिंग यू ऑल योर वर्क्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और कुछ पूछ रहा था कि जो भगवान है कृष्ण भगवान और जो सभी योद्धा होते हैं ना, वो पैदा कहाँ से, जन्म कहाँ हुआ उनका, उनका जन्म कहाँ हुआ, आपका जन्म कहाँ से हुआ, भगवान को भी माता पिता है ना, तो सबको भी है। अरे भाई एक सेट गारंटी के बिना लड़का आएगा कैसे। और कुछ ना, इधर का ना उधर का, ऐसा भी मन में ऐसा
ये बात अर्जुन ने कृष्ण को पूछ लिए थे 5000 साल पहले। ये जानते हैं सारे मन में जो डाउट था वो पहले पूछा गया, कृष्ण को पूछ लिए। कृष्ण आप बोलते हैं इसे करने के लिए, मुझे तो गारंटी नहीं कि मैं कर पाऊंगा, मेरे शक्ति को मेरे पता है मैं कितना जब चाहते कर नहीं पाऊंगा। अगर उसमें लग गया उसे करते संसार छोड़ो भक्ति में लग, अगर उसमें पूरा नहीं हो पाया ये ना माया ना राम कोई हंगत नहीं हुआ तो किधर जाऊंगा। तो कृष्ण तुरंत उत्तर देते अर्जुन इसके लिए तो सोचना पड़ता है। कृष्ण स्ट्रेट एक वार्ड बोले गीता में लिखा है और पढ़ लेंगे अपने, मतलब भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित हो ही नहीं सकता। नहीं कल्याण कृति कश्चित दुर्गति तात गच्छति, यतात उनका दुर्गति हो ही नहीं सकता है जो कल्याण चाहता है सबका, कैसे हो सकता है। बोले उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, तू मेरे साथ जुड़ना चाहता है ना, अगर तू फेल हो गया किसी कारण से इधर उधर नहीं हो पाया तो आई एम देयर विद यू। बोले जो नहीं किए उनका तो भाड़ में गए, लेकिन तुझे मैं उठा कर ले लूंगा, उठा कर लेकर दोबारा जन्म दूंगा, दोबारा मदद करूंगा। तो इसलिए करो, अगर लॉकडाउन भी हो गया नहीं भी होगा तब भी फायदा में हो। ये बात भागवत नारद जी भी कहते हैं व्यास जी, जिन्होंने खूब बढ़िया से गृहस्थी धर्म अपने वर्ण धर्म आश्रम का बढ़िया से पाला वो तो गया भाड़ में नरक में जाएगा, लेकिन जो सब काम छोड़ करके हरि भजन में लगा वो ठीक से भजन नहीं कर पाया, पतित हो गया। बोले तो फिर भी फायदा में है, कुछ तो किया ना, तो फिर कपड़ मंडल लगेगा उसका तो फायदा में, लेकिन जो नहीं किया उसका नजर आ उनका क्या अभद्र हो जाएगा, लेकिन उनका क्या हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति 1% करने से भी उसका वास नहीं, उसको गीता में भगवान कहते हैं अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, यहां अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य लायते महतोपया, महान भय से बचा देगा। आप तो छोटे भय, इतने बड़े भय से बचाता है, आपके भय तो यही से खत्म हो जाए। बिंदास कृष्ण के ऊपर भरोसा कीजिए, जो होगा हमारे कहना है, देखिए कृष्ण है इस दया है ना, नहीं बस फिर डर किसका, फिर डर किसका है ना। ओके, अब प्रसाद के टाइम हो गया।